सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तुगलक वंश। खिलजी वंश तक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और उनसे संबंधित सभी वीडियो अपने चैनल पर गुरुकुल हब चैनल पर अपलोड कर दी हैं, तो आप इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड जितनी भी वीडियो थी सारी अपलोड कर दी हैं, वो भी आपको इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश। और तुगलक वंश में जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कब से कब तक। 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक जो रहा था वो तुगलक वंश का शासन रहा था और जो उसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। या ये कह सकते हैं कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320-1325 ईस्वी तक शासन किया था, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। और तुगलकाबाद को ही अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो फिर से करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की, 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की और तुगलकाबाद को ही अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आगे बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड ही कि रोमन शैली से निर्मित एक दुर्ग का निर्माण कराया। तुगलकाबाद में ही उसने रोमन शैली से निर्मित एक दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे 56 कोट कहा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन भारत में 56 कोट किसे कहा जाता है? तो 56 कोट कहा जाता है रोमन शैली से निर्मित एक दुर्ग जो तुगलकाबाद में स्थित है, और उसे किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक। तो कई तरीके से एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है कि रोमन शैली से निर्मित एक दुर्ग है जिसका नाम है 56 कोट, उसे तुगलकाबाद में बनवाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आती है बारी मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत ही महान शासक, मेन शासक कहा जा सकता है तुगलक वंश का। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन रहा था वो रहा था 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहा, काफी लंबा शासन रहा, 27 वर्ष का शासन रहा। ठीक, इसका जो वास्तविक नाम था वो था जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासन 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा, इनका वास्तविक नाम था जूना खां। ठीक है, एक षड्यंत्र के तहत, एक षड्यंत्र रचा इन्होंने और उस षड्यंत्र के तहत गयासुद्दीन की हत्या कर दी और पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था। एक षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र के तहत जो उनसे पहले थे गयासुद्दीन तुगलक, उनकी इन्होंने हत्या कर दी और पूरी की पूरी सत्ता की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले ली थी। बात करते हैं बुद्धिमान मूर्ख शासक। मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है या पागल बादशाह कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में आया है, एसएससी के सभी एग्जामों में बारी बारी से पूछा गया है कि तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक इनमें से किस नाम से भी जाना जाता था। ठीक, या ये पूछा जा सकता है कि बुद्धिमान मूर्ख शासक किसे कहा गया है, या भारतीय इतिहास में पागल बादशाह किसे कहा गया है। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बुद्धिमान मूर्ख शासक पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी पहले जो राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, दिल्ली से स्थानांतरित कर दी थी देवगिरी, जो दौलताबाद है। राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी। चांदी के सिक्के जो प्रचलन में थे उस समय, ठीक है, चांदी के सिक्के चल रहे थे, और बात करें इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के और जीतल बनवाए थे, तो उन सबको बंद करके इन्होंने केवल तांबे के सिक्कों पर विशेष जोर दिया था कि तांबे के सिक्के ही प्रचलन में रहेंगे। एक कृषि विभाग की स्थापना की, कृषि विभाग को इन्होंने दीवाने को ही नाम दिया, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक अलग से बनाया और उसको दीवाने को ही नाम दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवाने को ही विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो दीवाने को ही जो बनाई थी वो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाई
गई है या उसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से भी आता है कि प्रसिद्ध मोरक्को यात्री जो था इब्ने बतूता, वो किसके शासनकाल में आया था? तो प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के महान शासक, एक मेन शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, इब्ने बतूता 8 वर्ष तक दिल्ली में रहा और 8 वर्ष तक इन्होंने काजी का पद को संभाला था। मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए और 8 वर्ष तक दिल्ली में रहकर काजी का पदभार संभाला। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय समकालीन इतिहास में से संबंधित इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसे सफरनामा या रेहला कहा जाता है। किसने लिखी थी? इब्ने बतूता ने। इब्ने बतूता ने भारतीय समकालीन इतिहास पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी, एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है सफरनामा या रेहला। रेहला भी याद रख के चलेंगे क्योंकि ऑप्शन में आपको सफरनामा भी मिल सकता है या फिर रेहला भी आपको मिल सकता है, तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखकर चलनी होंगी यहां पर। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आज की इस वीडियो में मैंने ग्यासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए हैं। आने वाला जो आपका फिरोजशाह तुगलक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी अच्छी तरीके से हम समझ कर चलेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको आज इस वीडियो के जरिए बताए हैं ये प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने ये प्रीवियस एग्जाम में रहे हैं। ठीक है, तो यहां से निश्चित रूप से सवाल क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको केवल तुगलक वंश की स्टार्टिंग बतानी थी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताना था। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी जिसमें हम फिरोजशाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी का आइकन दिखाई देगा, उस घंटी के आइकन भी क्लिक करें। उससे क्या होगा, जो भी हम डेली 2-3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके से रिलेटेड या एग्जाम स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, आपको हमारी वीडियो को सर्च करना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।